आईपीएल 2023 का फाइनल मैच कल यानी 28 मई को खेला जाना था, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी। फिर इसे रिजर्व डे यानी 29 मई के लिए टाल दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर रिजर्व डे को भी मैच नहीं हो पाया तो क्या होगा, ट्रॉफी कौन उठाएगा? आइए मौसम के अपडेट समेत पूरी डिटेल आपको बताते हैं। मौसम से जुड़ी वेबसाइट AccuWeather के अनुसार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सोमवार के दिन भी बारिश की संभावना है। यहां पर सुबह से तो बारिश नहीं होगी, लेकिन शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच बारिश की प्रबल संभावना है। दिन में जहां 40% बारिश की संभावना है, वहीं शाम को 4 से 6 बजे के बीच बारिश होने की संभावना 50% के करीब है। हालांकि इसके बाद बारिश की संभावना नहीं है और बारिश रुकने पर मैच हो सकता है। रविवार के दिन भी शाम 6 बजे के बाद अहमदाबाद में बारिश की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन बारिश जमकर हुई और अंत में अंपायरों को दिन का खेल रद्द करना पड़ गया। सोमवार के दिन भी भारी बारिश होने पर मौसम साफ होने के बाद मैदान सूखने में समय लग सकता है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि रिजर्व डे पर फैंस को खेल देखने का मौका जरूर मिलेगा। सोमवार को अहमदाबाद में बारिश की संभावना 40% है, जबकि दोपहर से शाम के बीच तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहेगा। आसमान में बादल बने रहेंगे और इससे तेज गेंदबाजों को मदद भी मिल सकती है। पहले अंपायर रात 9:30 बजे तक इंतजार करेंगे। अगर इस समय तक खेल शुरू हो गया तो ओवरों में कोई कटौती नहीं होगी। इसके बाद हर एक घंटा कम होने पर द ओवर की कटौती हो जाएगी, यानी रात 10:30 बजे मैच शुरू हुआ तो कुल 26 ओवर होंगे और दोनों टीमें 13-13 ओवर ही खेलेंगी। रात 12 बजे के आसपास खेल शुरू हुआ तो दोनों टीमें 5-5 ओवर खेलेंगी और विजेता का फैसला होगा। वहीं रात 12 बजे के बाद मैदान सूखा और खेल होने की संभावना बनी तो सुपर ओवर के जरिए आईपीएल 2023 के चैंपियन का फैसला किया जाएगा। बारिश के कारण अगर खेल हो ही नहीं सका तो गुजरात की टीम चैंपियन बन जाएगी, क्योंकि ये टीम लीग स्टेज में 20 अंकों के साथ शीघ्र पर रही थी और चेन्नई की टीम नंबर 2 पर रह जाएगी।